हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग अपनी कक्षा 12 का अकाउंटेंसी का लेखांकन का पहला अध्याय है। तो दो किताबें हमारी हैं, जिसमें से पहली बुक है, जो पहला भाग है हमारी किताब का, जिसमें हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अलाभकारी संस्थाएं, और दूसरा होता है जिसमें हम लोग पार्टनरशिप की बात करते हैं, साझेदारी की बात करते हैं। ये पहली किताब है, इसकी हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं और हमारा ये पहला चैप्टर है और इसका नाम है अलाभकारी संस्थाओं के लिए लेखांकन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि अलाभकारी संस्थाएं होती क्या है। और इन सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि ये जो चैप्टर है वो एक तरह से कक्षा 11 में हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा हुआ है लेखांकन में, उसी के कंटिन्यूएशन में है। कक्षा 11 में हम लोगों ने कोई सोल प्रोप्राइटरशिप होती थी, जहां पर कोई अकेला दुकानदार है वो किस तरह से अकाउंट्स बनाएगा, या फिर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कोई निजी कंपनी है, तो उसमें किस तरह की अकाउंटिंग होगी, ये सारी चीजें हम लोगों ने वहां पर देखी थी। और उसी में एक नए तरह की कुछ संगठन आ जाते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं अलाभकारी संस्थाएं। तो नॉर्मली लेखांकन की जरूरत ऐसी लगती है कि कोई व्यापारिक संगठन हो, उसके लिए करने की जरूरत पड़ेगी। तो अलाभकारी संगठन भी एक तरह का ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारी गतिविधियों में हिस्सा ले रहा होता है। क्या कर रहा होता है? बहुत सारी गतिविधियों में हिस्सा ले रहा है, कई चीजें खरीद रहा है, कई चीजें बेच भी रहा है, खुद बना करके नहीं कर रहा है और खरीदने और बेचने के उद्देश्य से नहीं कर रहा है, उद्देश्य कुछ और है। तो अलाभकारी संस्थाएं होती क्या है, सबसे पहले हम लोग इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो अलाभकारी संस्थाएं क्या होती हैं, आप ये समझिए। सबसे पहला पॉइंट, इनका जो उद्देश्य है ना, देखिए इनका उद्देश्य क्या होता है, सेवा करना होता है। क्या होता है? सेवा करना। किसकी सेवा करना? पूरे समाज की सेवा का उद्देश्य हो सकता है, या इनके कुछ सदस्य हैं उनकी सेवा करने का उद्देश्य हो सकता है। जैसे कुछ क्लब्स होते हैं, क्लब में आप मेंबरशिप ले लो, फिर आपकी फैमिली के साथ कुछ स्पोर्ट्स इवेंट कराते हैं, खिलाते हैं, कहीं बाहर घुमाने ले जाते हैं, तो इस तरह की एक्टिविटीज करने के जो भी हैं। ऐसे ही ओपन जिम का कॉन्सेप्ट आता है। मैं उदयपुर में हूँ तो यहाँ पर सरकार की तरफ से, नगर निगम की तरफ से कई जगह पर ओपन जिम चलती है, जिसमें खुले में जिम है और लोग आकर के कर रहे हैं। तो कोई कल्याणकारी संस्था भी ये करा सकती है। ऐसे ही बहुत सारे विद्यालय हैं, मैं बिट्स पिलानी से पढ़ा हूँ, तो बिट्स पिलानी भी बिरला एजुकेशन ट्रस्ट एक ट्रस्ट है, उसके अंदर आ रहा होता है। तो उस ट्रस्ट का जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, जो पूरा उद्देश्य है, वो पैसा कमाना नहीं है, किसी एक उद्देश्य की पूर्ति करना है, है ना। तो सेवा देना जो है वो इनका मुख्य उद्देश्य है। लाभ कमाना क्या इनका उद्देश्य है मुख्य? तो ये है नहीं, लाभ कमाना उद्देश्य नहीं है। अब बहुत सारे धार्मिक संगठन भी होते हैं जिनका काम है कि अपने धर्म के बारे में और लोगों को बताना, अपने धर्म को प्रोपगेट करना, जो कि हमारे संविधान इजाजत देता है, और सारे लोगों को अपना अपना धर्म और लोगों को बताने की इजाजत है। तो इस तरह के मंदिर के बहुत सारे ट्रस्ट होते हैं, व्यायाम के मैंने बताया, शिक्षा का बताया, अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बना सकते हैं। कोई व्यापारिक संगठन हो सकता है, जैसे बहुत सारे दुकानदारों ने मिलकर के एक समिति बना ली, है ना। कई ट्रेड यूनियंस हैं, उनमें कोई ट्रेड यूनियन का उद्देश्य फायदा कमाना नहीं है, लेकिन उस ट्रेड यूनियन के लिए भी कई बार धरना देने के लिए पोस्टर बनवाना है, तो बहुत तरह के खर्चे होते हैं। तो वो खर्चे होते रहे और साथ में उनकी आमदनी होती रहे। क्यों? अगर कोई भी, देखिए फाइनेंस जो है ना, या वित्त है, ये इतना महत्वपूर्ण है। मान लीजिए कि कोई बहुत अच्छे उद्देश्य से कुछ काम कर रहा है और उसके पास जो पैसे आ रहे हैं उससे ज्यादा अगर वो खर्च कर रहा है, और पहले से कुछ मान लीजिए उसके पास वेल्थ या धन इकट्ठा भी था, थोड़े दिन कर पाएगा। जब पैसे खत्म हो जाएंगे और उसके पास पैसा है ही नहीं और कुछ खर्च करने के लिए, हर काम करने के लिए पैसे की जरूरत तो पड़ेगी। तो अगर आपका उद्देश्य लाभ, किसी को पूरे समाज की सेवा करना भी है, फिर भी आपके पास, आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी चीजें आ रही हैं वो कम से कम उतनी तो पड़ी जाए जितना हमारा खर्चा हो रहा है। ठीक, तो ये इसी वजह से लेखांकन की यहाँ पर जरूरत पड़ जाती है। तो लेखांकन की जरूरत क्यों पड़ती है, उसके 3-4 कारण, उसकी भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको समझ में आ गया होगा कि सेवा जो है वो उद्देश्य है, लाभ कमाना उद्देश्य नहीं है। और अब लाभ कमाना उद्देश्य नहीं है तो इसका मतलब यह है कि मुख्य रूप से इस तरह के जो संगठन है ना, वो किसी वस्तु का उत्पादन सामान्यता नहीं कर रहे होते हैं। सामान्यता कोई वस्तु खरीद करके बेच रहे हैं प्रॉफिट पर, ये भी नहीं कर रहे होते हैं, है ना। तो जो मुख्य रूप से आम व्यापारिक गतिविधियां होती हैं वो नहीं हो रही होती हैं। और इसी वजह से क्या होता है ना, इनके जो भी खाते होते हैं वो कुछ अलग तरह के खाते बनते हैं, है ना। कुछ खाते ऐसे हैं जो हमारे सामान्य व्यापारिक संगठन है, कोई निजी कंपनी है, उसमें जैसे बनेंगे वैसे यहां पर नहीं बन रहे होते हैं, उसके तुल्य होते हैं, समतुल्य होते हैं, सिमिलर होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो खाता नहीं बनेगा। जैसे लाभ और हानि खाता, अब इनका उद्देश्य ही नहीं है लाभ कमाना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसको हम लोग बोलते हैं लाभ और हानि खाता, वो बनाएंगे ही नहीं यहाँ पर, है ना। लेकिन हमें कुछ तो ऐसा रखना पड़ेगा जिससे कि हम अपने संगठन में कितना खर्चा हो रहा है, कितनी चीजें आ रही हैं, उसका ध्यान रख पाए। ठीक,
तो यहां पर एक तो खातों का प्रकार थोड़ा सा अलग हो जाता है, समझ रहे ना, वो अलग हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि जो नेचर ऑफ एक्टिविटीज है, जिस तरह की गतिविधियों का की प्रकृति है जो इस तरह के संगठनों में होती है, वो अलग होती है। ठीक, तो अपने को क्या समझ में आ गया कि कुछ यहां पर भी वित्तीय विवरण होगा, कुछ तरह के खाते बनेंगे, लेकिन वो एग्जैक्टली वैसे नहीं होंगे जो हमारे किसी व्यापारिक संगठन में बनते थे, किसी निजी कंपनी में बनते थे, किसी सोल प्रोप्राइटरशिप में बनते थे, वो नहीं बनेंगे। आगे बात समझ में। अच्छा, तो अब यहां पर उदाहरण भी आ गया, मतलब भी समझ में आ गया। तो कौन कौन से यहां पर खाते बनते हैं और किस किस तरह के बनते हैं? तो मुख्य रूप से यहां पर तीन तरह के आपके खाते बनेंगे। ठीक है, तो एक जो आपका खाता होगा उसको हम लोग बोलते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, है ना। क्या बोला मैंने? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राप्ति एवं भुगतान खाता। ठीक है, तो हमारा पहला जो खाता आ जाएगा वो हो जाएगा प्राप्ति एवं भुगतान खाता। दूसरा खाता आ जाएगा हमारा, दूसरा कौन सा आ जाएगा? आय एवं व्यय, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो आय एवं व्यय आ जाएगा। और तीसरा, दोनों ही चाहे व्यापारिक संगठन हो चाहे इस तरह का कोई संगठन हो, अलाभकारी संगठन हो, वहां पर दोनों ही जगह पर एक बनता है जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस शीट, और यहां पर बोलते हैं हम लोग उसको क्या? तुलन पत्र। तो तुलन पत्र यहां पर भी आएगा। ठीक है, अब इन खातों का बेसिक आइडिया आप लोगों को होना चाहिए, क्योंकि कक्षा 11 आप पढ़ चुके हैं, और अगर नहीं है तो हमारी कक्षा 11 के आप वीडियोस देखेंगे तो वहां से आपको बहुत सारी चीजें वो क्लियर होती चली आएंगी, समझ में आने लगेंगी। ठीक, बट अभी कक्षा 11 की बात नहीं है, कक्षा 11 के आगे की बात हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पहला अकाउंट है ना, वो एक तरह से हमारी जो रोकड़ पुस्तिका होती है ना, कैश बुक जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग? कैश बुक। ठीक, इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? रोकड़ पुस्तिका। तो रोकड़ बही या रोकड़ पुस्तिका जो बोला करते हैं, उसी से एक तरह से हम लोग अपना प्राप्ति एवं भुगतान खाता बना लेते हैं। तो इस पर आधारित होता है एक तरह से। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक तरह से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सिमिलर है, सेम नहीं है। ठीक, ये तो इससे हम बना रहे हैं, बट ये जो हमारा होता है वो क्या होता है? लाभ एवं हानि खाता है ना, उसके जैसा मान लीजिए। ठीक है, और तुलन पत्र तो यहां पर भी हमारा तुलन पत्र बनता है। कहां पर? जो बाकी हमारे व्यापारिक संगठन हुआ करते थे। आगे बात समझ में। तो ये दोनों खाते हो गए हैं, और ये हमारा एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वित्तीय विवरण देने के लिए, ये जो हमको जानकारी मिल रही है। अच्छा, तो ये बेसिक चीजें हो गई। अब यहां पर कुछ जो खाते हैं उनमें कुछ कुछ उनकी खासियत है कि इस खाते का क्या मतलब है, क्या इसकी विशेषताएं होती है, हम लोग उसकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यहां पर एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई जब इसमें लाभ कमाने का काम है नहीं, तो इस तरह की संस्थाओं में हम खाते बना क्यों रहे? क्या जरूरत क्या है? तो जो जरूरत आ जाती है उसमें हम क्या बोलेंगे? उद्देश्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उद्देश्य। तो उद्देश्य क्या है? लेखांकन के क्या उद्देश्य हैं यहाँ पर? ठीक, तो पहला उद्देश्य तो ये है कि इस तरह के जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उनमें एक वैधानिक आवश्यकता है, कानूनी रूप से बाध्य है। कानून देखता है कि हाँ, आप जो काम कह रहे हो अलाभकारी संगठन हो, तो वास्तव में आप वही कर रहे हो, कुछ और तो नहीं कर रहे हो, है ना। बहुत सारी तरह के अभी जो हमारी पिछली सरकार जो 2014 में बनी थी केंद्रीय सरकार, तो इन्होंने बहुत सारे गैर सरकारी संगठनों और बहुत सारी जो सोसाइटीज बन जाती हैं उनके ऊपर लगाम लगाने की कोशिश की थी, क्योंकि उनमें बहुत धांधली भी हुआ करती थी। तो वो धांधली हो रही या नहीं हो रही है, इस वजह से कानून की जरूरत होती है कि आप कैसे क्या क्या खर्च कर रहे हो वो हमें बताओ। तो पहले तो हो जाती है हमारी वैधानिक आवश्यकता है, इसलिए हम लोग इस तरह की यहाँ पर लेखांकन की जरूरत पड़ती है। ठीक, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी थी संक्षेप में। क्या बताया था? कि भाई आप अच्छे उद्देश्य से भी कुछ करना चाह रहे हो ना जीवन में, तो आप अगर आमदनी कम होगी, खर्च ज्यादा होने लगेगा, तो थोड़े दिन ही कर पाओगे, फिर आपको सब काम जो आपका बंद हो जाएगा। तो यहां पर भी आवश्यकता होती है कि आपको आपकी जो वित्तीय स्थिति है उसका पता हो, आपको मतलब उस संगठन को, तो वित्तीय स्थिति का सही पता चलता रहे, ये भी इसका एक उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य क्या है? तीसरा उद्देश्य इनका है कि देखो, इस तरह के जो भी संगठन होते हैं ना, उनको अनुदान चाहिए होता है। बहुत 5-6 तरह के इनके स्रोत हैं। अब ये कोई फायदा तो कमा नहीं रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कोई सस्ती चीज खरीद के महंगी चीज उसी को महंगे दाम पर बेचना, जैसे कोई दुकानदार करता है। ऐसा भी नहीं है कि कोई चीज बना रहे हैं और मान लीजिए इन्होंने मोबाइल फोन बनाया और उसके बाद से फिर उसको कई गुने कीमत पर बेच दिया, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो जब ये इस तरह का नहीं कर रहा, तो इनको आमदनी कहाँ से होगी? तो इनकी आमदनी होती है अनुदान से होती है, किसी से दान मिल जाता है, कुछ जगह पर इनके पास जो पैसा इकट्ठा हो जाता है वो कहीं पर ये निवेश कर देते हैं, तो उससे इनको चीजें मिलती रहती हैं। फिर कभी कभी ये अपने ही संगठन के कुछ चीजों का विनिवेश करते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको बेच देते हैं। तो आय के स्रोत की हम बात करेंगे, लेकिन
मुख्य रूप से जिनका आय का स्रोत होता है जिसको हम इंग्लिश बोलते हैं सब्सक्रिप्शन, तो बहुत सारे लोग हैं वो इनके क्या बन जाते हैं, सदस्य बन जाते हैं और वो इनको पैसे देते रहते हैं। तो उन सदस्यों को ये बताना कि आपका पैसा सही जगह पर खर्च हो रहा है, जो आपका उद्देश्य था वहीं पर खर्च हो रहा है, ये कैसे बताओगे? तो इसके लिए हमें लेखांकन की जरूरत पड़ेगी, अकाउंटिंग की जरूरत पड़ेगी। तो अपने जो वर्तमान सदस्य हैं, जो वर्तमान है जो अनुदान देने वाले लोग हैं, और साथ में जो भविष्य में भी दे सकते हैं, मान लीजिए कि कोई संगठन है वो मेरे पास आएगा और बताएगा कि देखिए भाई साहब हमने ऐसे ऐसे खर्च किया हुआ है, आप हमें अनुदान दे दीजिए, तो मैं कहूंगा कि आप मुझे दिखाइए कि आपने कैसे खर्च किया हुआ है, तो मुझे भी तो उनका लेखांकन अगर उन्होंने नहीं किया होगा तो मैं कैसे समझ पाऊंगा, है ना। तो अपने वर्तमान और भविष्य में जो हमारे अनुदानकर्ता बन सकते हैं, अनुदानदाता बन सकते हैं, उनके लिए भी लेखांकन की आवश्यकता होती है। और एक और उद्देश्य इसी से जुड़ा हुआ है जिसको बोला जा सकता है कि हर संगठन के क्या उद्देश्य थे, उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए सारा काम हुआ कि नहीं हुआ। जो भी आर्थिक गतिविधियां हुई, आर्थिक गतिविधियां इस तरह के संगठन का मुख्य उद्देश्य तो है नहीं, है ना, लेकिन आर्थिक गतिविधियां करनी पड़ेंगी अपना जो भी इनका मुख्य उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए, तो वो आर्थिक गतिविधियां वास्तव में संगठन के उद्देश्य से अलाइंड है कि नहीं है, है ना, तो वो काम करने के लिए भी, वो भी हमें पता चलता है जब हमें लेखांकन किया होगा। ठीक है, मान लीजिए कोई ऐसा लेन देन किया है जो हमारे उद्देश्य से किसी से भी तरह से लेना देना नहीं है, तो जो भी हमारे मेंबर्स हैं वो आकर के बोलेंगे कि आपने इसमें क्यों खर्च कर दिया पैसा, है ना। तो ये सारे हमारे उद्देश्य हैं, किसके उद्देश्य हैं, ये लेखांकन के उद्देश्य हैं, इस वजह से हम ऐसे संगठनों में भी लेखांकन करते हैं। अच्छा, हम लोगों ने खातों की बात की थी, तो ये खाते जो हम लोग देख रहे हैं ना, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बात कर लेते कि क्या होता है। अब कैश बुक तो आपको पता है, रोकड़ पुस्तिका में हम लोग क्या करते हैं, जिस दिन जो भी पैसा आया, कैश आने की बात कर रहे हैं, कैश आया तो उसको लिख लिया, कैश गया तो उसको चला गया, ना रोकड़ आया तो नोट कर लिया, रोकड़ गया तो नोट कर लिया। और साथ में हम लोगों को, आपको याद होगा कक्षा 11 में हमने पढ़ा था कि सब कुछ दिनांक के हिसाब से हम लोग नोट करते जाते हैं, मतलब एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, काल क्रमानुसार होता है। अच्छा, तो अब उसी कैश बुक से एक तरह से हम उसी की समराइज कर दें, उसको समराइज कर दें मतलब उसका सार बना दें। तो कैश बुक में तो देखिए पूरे साल में किसी दिन कुछ पैसे आए, फिर कुछ पैसे कभी गए, तो ऐसे साल भर में अलग अलग तरह से बहुत सारे पैसे आ और जा रहे होते हैं। हम लोग प्राप्ति एवं भुगतान खाता में क्या करते हैं, वो पूरे साल की समरी बना देते हैं, जैसे अलग अलग तरह से, मान लीजिए अनुदान मिल रहा है, ठीक, तो सदस्यों से जो भी हमें अनुदान मिल रहा है, किसी दिन कुछ सदस्यों से मिला, किसी दिन कुछ सदस्यों से मिला, तो साल भर में ऐसे हमें कुल मिलाकर के जो भी अनुदान मिला एक साल में, एक लेखा वर्ष में, और आमतौर पर जो लेखा वर्ष है वो हमारा वित्तीय वर्ष ही होता है। वित्तीय वर्ष का मतलब क्या हुआ, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का, तो वो वित्तीय वर्ष में जो भी हमारी कैश बुक में एंट्रीज हुई, जो भी हमारी रोकड़ पुस्तिका में जो भी हमारे विवरण आए, उन सारे को हम लोगों ने क्या कर दिया, समराइज कर दिया, जितने भी अनुदान थे हमने उनको एक साथ लगा करके एक जगह पर सारे खाते में बना करके लिख दिया, तो वो हमारे प्राप्ति और भुगतान खाते में बन जाता है। तो पहली चीज क्या हुई कि कैश बुक यानी कि रोकड़ पुस्तिका से सीधे तौर पर ये संबंधित है। दूसरी चीज क्या हुई कि ये हम लोग पूरे एक लेखा वर्ष के लिए बनाते हैं, किसके लिए बनाते हैं, लेखा वर्ष के लिए बनाते हैं, है ना। और तीसरी चीज क्या है कि उसी जो रोकड़ पुस्तिका में जितनी भी एंट्रीज थी, जितने भी आपके विवरण का थे, वो सारे के सारे आप लोगों ने क्या कर दिया, उसका सारांश बना करके वो यहां पर दिखा दिया। अच्छा, अब इसमें एक चीज है तो ध्यान रखने की है, इसका मतलब क्या है भाई, प्राप्ति से है और भुगतान से है, तो इस खाते की जब हम बात करें तो इसमें एक चीज होती है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कैश बेसिस पे चलता है। किस पे, कैश बेसिस। कैश बेसिस का मतलब क्या हुआ कि जब पैसा आया तो हमने उसको लिख लिया, जब पैसा गया तब हमने उसको नोट कर लिया। मतलब क्या हुआ कि हो सकता है किसी ने पैसा मुझे आज ही दे दिया है अगले साल के लिए भी, तो अगर मुझे पैसा मिल गया मेरे संगठन को तो हम लोग उसको नोट कर लेंगे, कहां पर, कैश बुक में भी नोट करेंगे, और क्योंकि कैश बुक में है तो हम लोग प्राप्ति और भुगतान खाते में भी उसको नोट कर लेंगे, है ना। यहां पर दो चीजें अलग अलग हो जाती हैं, अलग अलग क्या हो जाती हैं, जो हमारा आय और व्यय खाता होता है ना, उसमें हम ये देखते हैं कि वास्तव में ये आय हुई या नहीं हुई। जैसे मान लीजिए कि मैंने 3 साल की मेंबरशिप फी एक साथ दे दी, मतलब मैं 3 साल के लिए सदस्य हूं, तो मैंने 3 साल का पैसा एक साथ दे दिया, और ये तो एक लेखा वर्ष के लिए बन रहा है, तो अगर मैंने इसी लेखा वर्ष में दिया तो वो पैसा तो यहां पर आ जाएगा, है ना। लेकिन अब आय और व्यय खाता में अगर आप जाएंगे तो आय और व्यय खाता भी अगर हम एक एक फाइनेंशियल ईयर के लिए देख रहे हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर जो भी मैंने पैसा दिया है वो एक साल के लिए, अब आगे के लिए अगर मैंने दे दिया है तो वो एक तरह की क्या बन जाएगी, लायबिलिटी बन जाएगी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, है ना। तो उसकी भी हम लोग बात करेंगे, और वो वास्तव में वो चीज हमारी सीधे सीधे तुलन पत्र में जाती है।
तो वो अभी आप उसको लेकर के बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी आपको समझना क्या है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता है ना, इसकी क्या क्या खासियत थी। तो एक तो कैश बुक से लिंक्ड है, दूसरा हो गया कि इसको हम लोग एक साल के लिए बनाते हैं, और तीसरा हो गया कि कैश बेसिस पे रहता है। पैसा आएगा तो नोट करेंगे, पैसा जाएगा तो नोट करेंगे। किस वर्ष के लिए है, आगे के लिए भी दे दिया आपने, या पुराना बकाया था वो दिया, या हमने आगे के लिए किसी को एडवांस दे दिया, वो सारी की सारी चीजें हम लोग इसी में बना लेते हैं। ठीक, तो एक तरह से रोकड़ पुस्तिका से बहुत ज्यादा संबंधित है, अपने को समझ में आ गया। जो लाभ एवं हानि खाता होता है हमारे जो व्यापारिक संगठन है उन्हीं के समतुल्य है, इसकी बात हम लोग अपने अगले वीडियो में करेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए तीन तरह के खाते हैं, जिसमें से आपने मुख्य रूप से प्राप्ति एवं भुगतान खाते की विशेषताएं सीख ली। अच्छा, इसमें एक और बिंदु है कि जो हम लोग इसको अलाभकारी बोल रहे होते हैं ना, तो अलाभकारी में हम लोगों ने देख लिया था स्टार्टिंग में ही कि सबसे पहले तो बात है कि सेवा इसका उद्देश्य, लाभ कमाना उद्देश्य नहीं है। सारे लोग हर तरह के दुनिया में काम सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे होते हैं। अच्छा, साथ में अलाभकारी का एक दूसरा एंगल भी आता है, दूसरे दृष्टिकोण से भी जब लोग अलाभकारी को देखते हैं वो बात आती है कि मान लीजिए आमदनी इस तरह के संगठन की ज्यादा होती रही और खर्चा कम होता रहा, तो पैसा इकट्ठा होता जाएगा। अब वो जो पैसा इकट्ठा हो रहा है, अगर वही पैसा किसी निजी कंपनी में इकट्ठा हो रहा होता था, किसमें, कोई निजी कंपनी में, तो वो उस निजी कंपनी के जो भी मालिक हुआ करते थे उन सारे लोगों में बांट दिया जाता था, है ना। ऐसे ही कोई सोल प्रोप्राइटरशिप है, अकेला दुकानदार है, तो निश्चित रूप से जो भी फायदा हो रहा है वही उसकी इनकम बनती जा रही है। यहां पर क्या होता है, यहां पर जो भी पैसा इकट्ठा हो जाता है ना, वो उनके सदस्यों में बांटा नहीं जाता है, समझ रहे हैं। वो पैसा हमने इकट्ठा रख लिया, अब हम अगले वित्त वर्ष में उसको आगे यूज करेंगे या आगे के वर्षों में यूज करेंगे, तो भले ही हमारे पास ज्यादा पैसा आ जाए, ज्यादा पैसा का मतलब हमारी आमदनी ज्यादा हो जाए और व्यय कम हो जाए, लगातार अगर ऐसा बनता रहे तो भी हमारी एक निधि बनती रहेगी। लेकिन वो पैसा ध्यान रखिए कि सदस्यों के बीच में नहीं बांटा जाएगा, वो ये नहीं बोला जाएगा कि हमें ये लाभ हो गया काम से तो हम बांट दें, क्योंकि अलाभकारी संगठन है। तो एक ये बात हो गई। तो अभी इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि यहां पर जो भी हमारी बाकी संगठन होते ना व्यापारिक, उनमें और इनमें एक दो चीजें और हैं अंतर देखेंगे, तो व्यय में बहुत अंतर नहीं होता। कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है वो भी क्या कर रहा होगा, ये ट्रेड नहीं करेंगे, ये व्यापार नहीं करेंगे, लेकिन खर्चे बहुत सारे हैं, बिजली का बिल है, टेलीफोन का बिल है, प्रशासनिक खर्चे हैं, किसी को आपको रिसेप्शन पे बैठाना पड़ेगा, किस तरह का संगठन है, तो बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो इनके खर्चे लगभग वो वैसे ही रहते हैं, लेकिन इनकी आय अलग अलग तरह से होती है। कैसे होती है, अलग अलग तरह से। तो इनकी आय के स्रोत हम लोग लिख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं तो आय के स्रोत का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आय के स्रोत के बाद से ये जो बाकी की दोनों चीजें हैं ये हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे, तो इस वीडियो में हम लोग आय के स्रोत को भी कवर कर लेते हैं। अब देखिए यहां पर हम लोग आय के स्रोत की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, आय के स्रोत। तो आय के स्रोत जो बाकी व्यापारिक संगठन है और यहां पर अंतर होता है थोड़ा सा। तो यहां पर कौन कौन से सदस्यों से प्राप्त अनुदान की बात करते हैं, सब्सक्रिप्शन होता है, ठीक है, मेंबरशिप फी बोलते हैं कुछ लोग उसको, सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मेंबर्स जो भी होते हैं, जो भी सदस्य होते हैं, वो कुछ पैसा दे देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मासिक होता है कि हाँ आपको हर महीने देना है, कई बार वार्षिक हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि आजीवन भी कुछ लोग दे देते हैं। तो वो आजीवन होगा तो वो अलग तरह से एंट्री होगी, वो हम लोग तुलन पत्र में कर देते हैं, और अगर मासिक होगा तो उसको किस तरह से करेंगे वो हम लोग आगे देख लेंगे। लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि जो सब्सक्रिप्शन है, जो अनुदान है सदस्यों से, वो इनके प्रमुख स्रोत है किसका, आय का। ऐसे ही हो जाता है दान, क्या हो जाता है, दान। दान किससे हुआ, सदस्यों से भी कई बार, और बाहर की संस्थाओं से भी। कोई एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई अलाभकारी संस्था है, अच्छा काम कर रही है, तो बाहर के कई लोग ऐसे होते हैं, फिलान्थ्रोपिस्ट होते हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, उनको लगता है ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उनको दान दे देते हैं। कई बार यहां से समझिए कि सरकार भी दान दे देती है कुछ कुछ लोगों को, है ना, कुछ ऐसी अलाभकारी संस्थाओं को, तो वो आ जाता है। फिर अनुदान में सहायता क्या है, और लोग भी जो सदस्य नहीं है वो लोग भी अनुदान में सहायता कर सकते हैं, तो वो भी इनका हो गया। फिर विनियोग, विनियोग का मतलब क्या हुआ कि देखिए इनके पास दो तरह की पूंजी, जो निधियां हैं वो दो तरह की, आप पूंजी निधि और सामान्य निधि, कहीं पर भी पैसा रख सकते हैं। तो उस निधि में अगर हमारे जितना भी खर्चा और उससे ज्यादा पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, वो अलाभकारी संस्था विनियोग कर देती है, निवेश कर देती है कहीं पर। कोई उसने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदनी है ना, सिक्योरिटीज मतलब सुरक्षा पत्र खरीद लिया, अब वो आपने क्योंकि सरकार से खरीद लिया किसी बैंक में, तो उस पर आपको ब्याज मिलेगा, तो वहां से भी आपकी आमदनी होती रहेगी, तो संस्था की आमदनी वहां से भी होती है। फिर वसीयत मतलब क्या होता है, लीगेसीज बोलते हैं इसको, ठीक है, लीगेसीज जनरल। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी कुछ लोग हैं जिन्होंने अपना लीगेसी या वसीयत के रूप में कुछ चीजें हैं जो इस संस्था को दे दी, तो वो हो जाता है। फिर विनिवेश का मतलब क्या होता है, निवेश का उल्टा होता है विनिवेश, तो विनिवेश और ये निवेश, ये उल्टा है। निवेश आपने किसी बैंक में किया, कुछ आपको इंटरेस्ट मिल रहा है ना, जो आपको ब्याज मिल रहा है वहां से आपकी आमदनी हो रही है। विनिवेश क्या हुआ कि आपके पास धीरे धीरे आप अपने संस्था के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए क्या करते चले गए, कुछ कुछ तरह के
साधनों को संसाधनों को बनाते चले गए और उनमें से कोई संसाधन की आपको जरूरत नहीं तो आप उसको बेच रहे हो। क्या कर रहे हो? बेच रहे हो। तो जब आप उसको बेचोगे तो आपको फिर से पैसा मिलेगा, तो वो भी एक तरह की आमदनी हो गई। तो ये होते हैं हमारे आय के मुख्य स्रोत जब हम लोग अलाभकारी संस्थाओं की बात कर रहे हैं। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये एक छोटा सा अंतर है बाकी संस्थाओं की तुलना में, तो इसको भी अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्जामिनेशन में आता है। और एक बात समझिए, अलग अलग बोर्ड्स के लिए सिलेबस काफी हद तक अब एक है, एकरूपता आ रही है। और अगर हम लोग सीबीएसई बोर्ड की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? सीबीएसई बोर्ड की, तो उसमें ये समझ लीजिए कि इस अध्याय से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आता है, फिर एक 3 नंबर वाले क्वेश्चन में भी आता है और एक 1 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाता है। तो 10 नंबर बहुत ही आसान अध्याय है, बहुत ही आसान चैप्टर है, 10 नंबर पक्के हैं। आप इसमें बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। अगर आपकी कक्षा 11 में ठीक से पढ़ाई की तब तो चुटकियों में हो जाएगा क्योंकि काफी हद तक उन्हीं खातों के हिसाब से यहाँ पर एंट्रीज हो रही होती हैं। ठीक, तो आप यहाँ पर इस चैप्टर को कर लेंगे तो उस हिसाब से इसकी वेटेज बहुत ज्यादा है और बहुत आसान है। तो आप इस चैप्टर को काफी अच्छे से करिएगा। बहुत कई बार ऐसा होता है ना कि कोई चीज है जिसमें आप थोड़ी मेहनत में अच्छा रिजल्ट आ जाता है, तो ये उस तरह का चैप्टर है, तो उस महत्व को भी आप समझते रहिए। अब इसी में जो सबसे अंत बात आ जाती है, हमारे ये परिचयात्मक वीडियो था जिसमें हम लोगों ने थोड़ी बहुत प्राप्ति एवं भुगतान खाते की बात की थी, बाकी खातों की हम बात आगे करेंगे। लेकिन अलाभकारी संस्थाओं में जब बाकी हम व्यापारिक संगठनों की बात करते हैं तो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया खराब परफॉर्म किया कैसे समझते हैं कि उनमें लाभ कितना हुआ, जो भी उस कंपनी के मालिक थे उनको कितना लाभ हुआ, जो भी उसके ग्राहक है उनका कितना सेटिस्फेक्शन बढ़ा, उनका कितना संतोष बढ़ा। यहाँ पर हम ये नहीं देखते हैं, हम ये देखते नहीं कि उन्होंने कितना पैसा कमाया, कितना लाभ में चल रहे हैं। हमारे यहाँ पर मेन जो इनको इनकी प्रसिद्धि का, इनका पहचान का जो मुख्य कारण होता है ना, वो होता है कि इन्होंने समाज में पूरे स्तर पर, सामाजिक स्तर पर कितना सुधार लेकर के आए हैं, कितना अच्छा इन्होंने अपना अंशदान दिया है समाज के ऊपर ले जाने में, समाज को बेहतर बनाने में। ठीक, तो यहाँ पर इनकी सफलता को नापने का क्राइटेरिया ही बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला परिचयात्मक वीडियो हो गया। इस वीडियो के जितने भी नोट्स हैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हम लोग अगले वीडियो में पहले तो प्राप्ति और भुगतान खाते को ही अच्छे से देखेंगे, फिर बाकी के आगे के जो खाते हैं उनकी बात करेंगे अपने अगले वीडियोस में।